हेलो एवरीवन, आई एम साहिल गुप्ता। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है विधायिका। आज हम इससे 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? तो हमारा क्वेश्चन ये रहा। दोस्तों, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद। तो इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, प्रधानमंत्री सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है, उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य होगा? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका चार ऑप्शन दिया हुआ है, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 माह, 6 माह तक होगा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है? दोस्तों, जो हमारे राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन, 60 दिन। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन। 14 दिन बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये पूछ रहा है, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? जैसे कोई भी राज्य के विधानसभा है, उसमें अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 400, ऑप्शन डी 500। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 500। 500 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। 25 वर्ष बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, तो हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? जो हमारा राज्यसभा है, उसको भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और चौथा ऑप्शन ये है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, किसी राज्य का विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, मतलब कितनी हो सकती है? तो यहाँ पे कितना हो सकता है दोस्तों? 30 का सही उत्तर है 60 हो सकता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछ रहा है पदेन सभापति होता है, तो यहाँ पे राज्यसभा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। राज्यसभा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया है और शायद इस बार भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को देता है।
जो वहाँ का अध्यक्ष होते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, विधान परिषद के सदस्यों कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष दोस्तों। 6 वर्ष बिल्कुल सही उत्तर है, 6 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा निर्वाचन आयोग, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, निर्वाचन आयोग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत में कैसी विधायिका है। जो हमारा भारत है उसमें कैसी विधायिका है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दो सदनीय विधायिका है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है, राज्यसभा का पदन अध्यक्ष कौन होता है। इसमें हमारा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। इस वीडियो में आज हमने 15 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको और चैप्टर वाइज MCQ चाहिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैप्टर वाइज MCQ आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।